हाउ टू प्ले एवरी गेम्स लाइक टेक्नो गेमर्स, टोटल गेमिंग या फिर मिड पैक। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर से आप टेक्नो गेमर्स की वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि चाहे टेक्नो गेमर्स किसी भी गेम की वीडियो खेल ले वो उसमें प्रो ही होता है। तो ये एक गलत फहम है जो कि टेक्नो गेमर्स ने आपके माइंड में डाल रखा है। चाहे वो कोई भी गेम खेल ले उसको देखने के बाद आप सोचते हो कि यार ये कैसा बंदा है, मतलब हर एक गेम इतना प्रोफेशनली कैसे खेल लेता है। पर ये सोच आपकी बिल्कुल ही गलत है। टेक्नो गेमर्स असल में ऐसी कुछ टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि एकदम ही प्रो है। अभी टेक्नो गेमर्स हर एक गेम को इतने प्रोफेशनली कैसे खेल लेता है, उसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटजी है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कमेंट में कुछ बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं टेक्नो गेमर्स को हेट नहीं करता हूं। असल में टेक्नो गेमर्स इतने सारे गेम इतने प्रोफेशनली कैसे खेलता है मैं आपको उसके पीछे की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो इसलिए पहले पूरी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अगर से आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे गाली दे सकते हो। तो गाइस सबसे पहली चीज जो आती है वो आपको किसी भी गेम के ऊपर वीडियो बनाने से पहले जाननी चाहिए, जो कि है बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेट मी एक्सप्लेन, आप जिस भी गेम के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो उसके बारे में आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर से आपको गेम के बारे में पता चले गेम में है क्या, गेम में हो क्या रहा है, तभी तो आप उसके ऊपर वीडियो बनाओगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाकर अबाउट गेम में से भी ले सकते हो या फिर आप गूगल क्रोम यूट्यूब पे से भी ले सकते हो। और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट ही लगने वाला है, जो कि आपको पूरा गेम ही बदल सकती है। और ये इन्फॉर्मेशन के बाद आपको डायरेक्टली वीडियो नहीं बनानी, आपको पहले एग्जाम्पल के लिए 1, 2 या फिर 3 गेम ट्रायल खेलने, उसके बाद आपको वीडियो बनानी, क्योंकि मेरी बात मानो जो स्टार्टिंग के 3 गेम्स होंगे वो आपको आधे से ज्यादा गेम के बारे में जानकारी दे देंगे। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं रिकॉर्डिंग की तरफ। सबसे पहली बात, आपको ये बात मानना नहीं है कि गेम बहुत ज्यादा बोरिंग है। गेम चाहे कैसा भी हो आपको एकदम एक्साइटमेंट के साथ खेलना है, क्योंकि अगर से आपने ऐसा माना है कि गेम बहुत ही ज्यादा बोरिंग है तो आपके ऑडियंस को भी ऑटोमेटिकली गेम बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लगेगा। और आपको रिकॉर्डिंग के दौरान इन सब बातों को अवॉइड करना है कि मैं नूब हूं, मुझे गेम खेलना नहीं आता, मेरा फर्स्ट गेम है इसलिए मैं इतना बेकार खेल रहा हूं। आपको एकदम प्रो की तरह खेलना है, चाहे आप इस दुनिया के सबसे बड़े नूब भी क्यों ना हो, पर आपको आपके ऑडियंस को कभी बताना ही नहीं है कि मैं नूब, आपको ऐसा खेलना है कि आप प्रो, आपको सब कुछ आता है। अभी टेक्नो गेमर्स की बात ले लो, उसने उसकी लाइफ टाइम में कभी भी ऐसा कहा ही नहीं है कि मैं नूब, मुझे गेम खेलना आता नहीं। वो ऐसा खेलता है कि उसको ऐसा लगता है कि वो प्रो है, और उसका यही कॉन्फिडेंस ऑडियंस को मजबूर कर देता है उसे प्रो बोलने के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा नूब क्यों ना हो। और इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये निकल के आता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कि आपको नूब होने के बाद भी प्रो बना दे। और मैंने आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस कहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो तो आपको प्रो होने के बाद भी नूब बना देंगे। फॉर एन एग्जांपल, आप फ्री फायर या पबजी खेल रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप किसी भी स्क्वाड के बीच में चले आते हो, फिर आप मर जाओगे, इससे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही खराब होगी। और इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है, मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है कमेंट्री। अगर से आपको कमेंट्री करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो आप वीडियो को रिकॉर्ड करते समय कमेंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को बना लीजिए उसके बाद कमेंट्री करिए। और इससे होगा क्या, सबसे पहली बात इससे आपकी वॉइस क्लियर आएगी, और दूसरी बात आप जो भी बोलने वाले उसके लिए आपके पास थोड़ा टाइम होगा। और इसके बाद अगर से आपका गेम प्ले खराब हो भी जाता है तो आप डिलीट करके रे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और ऐसे इसके कई सारे फायदे हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप पहले वीडियो बना लीजिए उसके बाद ही कमेंट्री करें। और आपको ये बात कभी भी भूलना ही नहीं है कि वो कमेंट्री आपकी वीडियो में जान डालने वाली है, इसलिए आपको कभी भी कमेंट्री को छोड़ना ही नहीं है। बिना कमेंट्री के अगर से आप वीडियो बनाते हो तो उसे व्यूज ही नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप कमेंट्री में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। अगर से आपको कुछ गलत बोल देते हो तो उसे डिलीट करके वापस से बोलो, और आप कमेंट्री ऐसे करो कि उससे बंदे एंटरटेन हो। आप कमेंट्री करते समय स्टोरी बनाओ, ऐसे नहीं गेम के बारे में सब बताओगे, कोई स्टोरी बनाओ। फॉर एन एग्जांपल, अगर से आप फ्री फायर गेम प्ले की वीडियो बना रहे हो तो आप ऐसा बोल सकते हो, गाइस मेरे सामने पूरी की पूरी स्क्वाड है, क्या मैं उन्हें मार पाऊंगा, उनके पास बहुत खतरनाक खतरनाक गन्स है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं उन्हें फिर भी मार पाऊंगा। इन शॉर्ट, आपको गेम को गेम की तरह नहीं खेलना है, आपको उसमें एक स्टोरी बनानी है जिसकी वजह से बंदे एंटरटेन हो। आपको उन्हें एंटरटेन करने के लिए खेलना है, खुद के मजे के लिए नहीं खेलना है। और आपको कमेंट्री करने से पहले जो भी फालतू के सीन्स है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है, आपको उन्हें ट्रिम कर देना है, क्योंकि आप कूद रहे हो, भाग रहे हो, बिना किसी वजह के दर्शक जा रहे हो तो बंदे को क्यों देखेंगे, उन्हें क्या ही एंटरटेन मिलेगा। इसलिए आपकी स्टोरी लाइन जो कह रही है, बंदों का इंटरेस्ट जिस चीज में है, गेम जिसलिए बना है, बंदों ने इस वीडियो पे क्लिक जिसलिए किया है, तो आपको उन्हीं सीन्स को रखना है, बाकी सारे सीन्स को आपको डिलीट कर देना है। और ये वो एक मिस्टेक थी जो अक्सर लोग करते हैं। इसके बाद में जो मिस्टेक आती है वो बैकग्राउंड म्यूजिक को रखना। वैसे आई डोंट थिंक ये कोई करता होगा, फिर भी अगर से ये करता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, गेम प्ले वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक का कोई भी काम होता ही नहीं। और कुछ लोग तो गेम के साउंड को ही बंद कर देता है, तो ये तो गलती है, वो कभी भी नहीं करना, क्योंकि वही आपकी वीडियो में जान डालने वाली। और ये तो बात हो गई वीडियो को बनाने से लेकर कमेंट्री तक। अभी हम आते हैं कि आप वीडियो में थंबनेल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको थंबनेल में ऐसा नहीं लिखना है कि आई प्ले ये गेम, आई प्ले वो गेम, आपको थंबनेल में स्टोरी लिखना है, जो गेम का नाम है आप कॉर्नर में लिख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आप टेक्नो गेमर्स के तीनों वीडियो पर नजर डालिए, आपको इन तीनों में एक कॉमन चीज मिलेगी, जो कि है गेम की स्टोरी लाइन। टेक्नो गेमर्स उनके थंबनेल में कभी लिखता ही नहीं कि आई प्ले दिस गेम, आई प्ले दूस गेम, स्पॉन्सर अगर वीडियो रही तो अलग बात, बट मोस्ट ऑफ द थंबनेल्स में वो गेम का नाम कभी लेता ही नहीं, वो या तो गेम की स्टोरी बताता है या फिर गेम का कंसेप्ट बताता है, क्योंकि अगर से वो गेम का डायरेक्ट नाम लिख देगा कि मैं गेम खेल रहा हूं तो उतने शायद व्यूज नहीं, लेकिन वो कंसेप्ट बताता है, स्टोरी बताता है। और इवन इस ट्रिक का यूज वो GTA 5 की सीरीज में भी करता है, उसकी हर एक GTA 5 का जो थंबनेल होता है ना वो एकदम यूनिक होता है, उसे गेम का कंसेप्ट समझ में आता है, गेम में क्या होने वाला है वो समझ में आता है। और वो अगर से उसकी जगह ऐसा लिखता था कि आई प्ले GTA 5 एपिसोड ये वो, तो शायद इतनी रीच नहीं मिलती। और अगर से आपको टेक्नो गेमर्स के थंबनेल के बारे में और कुछ जानना है तो जाओ उनके चैनल सर्च करो, देखो उनके थंबनेल में ऐसी क्या चीज है जो उसको एकदम अट्रैक्टिव बना रही है। और उसके बाद आपका थंबनेल बनाओ, फिर उसे एक ऑडियंस की नजर से देखो कि आप उस पर क्लिक करोगे या नहीं। और हाँ, एक वायरल वीडियो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ दो ही चीजें होते हैं, पहला उसका CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, जो कि आपको थंबनेल से मिलने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आप थंबनेल कैसा बनाते हो, कितना ज्यादा क्लिकी बनाते हो, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हो। अगर आपका थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है तो आपको
जो CTR है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है ना वो है वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन, मतलब कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो है वो कितने परसेंटेज तक वीडियो को देख रहे हैं। YouTube खुद कहता है जो वायरल वीडियोस होते हैं उनका ऑन एन एवरेज जो ऑडियंस रिटेंशन होता है वो होता है 50% का, मतलब कि ज्यादातर बंदी वीडियो को आधी देखते ही है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अगर से आपकी वीडियो की लेंथ जो है वो 6 मिनट की होती है तो आपको कैसे ना कैसे बंदों को 3 मिनट तक के तो रुकाना ही है। और बात रही CTR की तो एवरेज CTR 10 मिनट का होना चाहिए, लेकिन एक वायरल वीडियो के लिए जो CTR है वो 15% का होना ही चाहिए। मतलब आपकी वीडियो अगर से 100 लोगों को सजेस्ट होती है तो उसमें से 15 व्यूअर्स को आपकी वीडियो पे क्लिक करने है, इससे आपका CTR जो 15% का हो जाएगा। और ऐसे अगर से आपकी वीडियो का जो CTR है वो 15% होता है और साथ ही आपका ऑडियंस रिएक्शन जो 50% का होता है तो आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर से आपको और कुछ जानना है गेमिंग चैनल को ग्रो कैसे करें तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।